दिल्ली समेत उत्तर भारत में भूकंप के तेज झटके रिक्टर स्केल पर 6.6 तीव्रता का ये भूकंप। भूकंप के तेज झटकों से सहमे लोग, अफगानिस्तान के हिंदुकुश क्षेत्र में था भूकंप का केंद्र। भूकंप से पहले झटके लगे और जोरदार था दूसरा झटका, कई सेकंड्स तक हिलती रही धरती। दिल्ली एनसीआर में भी महसूस किए गए भूकंप के तेज झटके, घबराहट में घर और ऑफिस से बाहर निकले। दिल्ली एनसीआर में भूकंप के बाद से घरों में हिलते देखे पंखे, लोगों ने बनाए वीडियोस। नोएडा में देखी भूकंप की दहशत, घरों में हिलते देखे झूमर, घबराए देखे लोग। अंबाला में भी डोली धरती हिलता देखा फोटो फ्रेम, वीडियो वायरल। श्रीनगर में भूकंप की वजह से दीवारों में पड़ी दरारें, लोगों ने आनंद फानंद में घर किए खाली। जम्मू कश्मीर के पुंछ में भी भूकंप के सबूत दिखे, तेजी से हिलता दिखा पंखा। गाजियाबाद में भूकंप के दूसरे झटके का खौफ दिखा, घर खाली करके सड़कों पर आए लोग। राजस्थान के श्री गंगानगर में भी भूकंप के बाद घरों में दरारें दिखी हैं, घबराए लोगों ने अपने घर किए खाली। लुधियाना में भूकंप के बाद से लोगों ने दिखी घबराहट, एक दूसरे को फोन करते दिखे लोग। नोएडा और ग्रेटर नोएडा में भी हाईराइज बिल्डिंग्स में भूकंप का खौफ दिखा, बुजुर्गों को सीढ़ियों से उतरने में सबसे ज्यादा परेशानियां। दिल्ली एनसीआर में सभी सोसाइटीज में काफी देर तक मची रही अफरा तफरी, कुछ लोगों ने भूकंप के समय चक्कर आने की शिकायत दी। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने किया ट्वीट, लिखा भूकंप के तेज झटकों के बाद आशा करता हूं कि आप सभी सुरक्षित हों। आज से शुरू हो रही है चैत्र नवरात्रि, 9 दिनों के नवरात्र में मां दुर्गा के 9 स्वरूपों की होगी पूजा। उत्तराखंड सरकार ने सभी जिलों में नवरात्र मनाने के आदेश किए जारी, आज से 9 दिनों तक होंगे कार्यक्रम। दिल्ली के कालकाजी मंदिर में चैत्र नवरात्र को लेकर भव्य तैयारी, माता के दर्शन के लिए उमड़ी भीड़ और खास व्यवस्था है। बिहार के सीतामढ़ी में विदेशी पर्यटकों का लगा तांता, सैलानियों ने माता सीता और भगवान राम की पूजा की, सीताराम दरबार में दर्शन करके हर्ष जताया। प्रयागराज में भी चैत्र नवरात्रि को लेकर तैयारियां जबरदस्त, बड़ी संख्या में श्रद्धालुओं के उमड़ने की उम्मीद। अमृतपाल को लेकर सर्च ऑपरेशन जारी, जालंधर में बाइक पर बैठकर फरार हुआ था अमृतपाल, अभी भी फरार चल रहा है भगड़ा। अमृतपाल सिंह आईजी सुखचंद सिंह गिल ने जानकारी दी। पुलिस ने अमृतपाल के लिए बाइक का इंतजाम करने वाले आरोपियों को अरेस्ट किया, दोनों का नाम सुखदीप और गौरव है। अमृतपाल ने सुखदीप और गौरव को दिया था अपने कपड़ों से भरा हुआ बैग, पुलिस ने बरामद किया वो बैग। अब तक कुल 154 समर्थकों को गिरफ्तार कर पुलिस ने लिया हिरासत में, राइफल और रिवॉल्वर समेत करीब 12 हथियार भी बरामद। लंदन में भारतीय दूतावास के बाहर प्रदर्शन का पहला प्लान, खालिस्तानी समर्थक आज IHC के बाहर फिर करेंगे प्रदर्शन। अमृतपाल के खिलाफ लुकआउट सर्कुलर और NBW जारी, पूरे भारत में हवाई अड्डों और समुद्री बंदरगाहों पर हाई अलर्ट। पंजाब के सीएम भगवंत मान का आया बड़ा बयान, कहा पंजाब की शांति से खिलवाड़ नहीं होने देंगे। केजरीवाल ने कानून व्यवस्था से जुड़ी चुनौतियों को लेकर सीधे बीजेपी पर साधा निशाना, कहा कानून व्यवस्था की स्थिति से निपटने के लिए मान सरकार सख्त कदम उठाने के लिए तैयार। अमृतपाल की तलाश में जुटी पंजाब पुलिस, खुफिया नाकामी पर पंजाब सरकार को हाईकोर्ट से फटकार। आज विधानसभा में सुबह 11 बजे पेश होगा दिल्ली सरकार का बजट, गृह मंत्रालय से मिल चुकी है हरी झंडी। केजरीवाल ने उड़ाया बीजेपी का मजाक, कहा बीजेपी में अनपढ़ लोगों का झुंड है। गृह मंत्रालय की ओर से आप सरकार के विज्ञापन खर्च पर उठाए गए थे सवाल, केजरीवाल सरकार ने नहीं दिया था जवाब। केंद्र सरकार पर केजरीवाल का करारा वार, बजट में देरी को बताया उनका अहंकार। थर्ड फ्रंट की खबर के बीच में 2 दिनों के धरने पर बैठेंगे ममता बैनर्जी, ईडी CBI की कार्रवाई का विरोध। 29 और 30 मार्च को कोलकाता में धरना देंगे ममता बनर्जी, कहा केंद्र सरकार के रवैये का विरोध जरूरी है। कांग्रेस मुक्त मोर्चा बनाने की कोशिश में ममता, अखिलेश यादव के बाद अब नवीन पटनायक से मिलने का प्लान। पश्चिम बंगाल की सीएम ममता बनर्जी का केंद्र सरकार पर निशाना, कहा केंद्र ने 100 दिनों के काम के लिए पैसा देना भी बंद कर दिया है। बजट पर सीएम ममता बनर्जी का केंद्र पर निशाना, कहा बजट में भी बंगाल को कुछ नहीं दिया गया। 2024 में पहले मोर्चेबंदी, 6 राज्यों के सीएम को केजरीवाल का न्यौता, लेकिन कोई भी सीएम पहुंचा नहीं। केजरीवाल के न्यौते में शामिल न होने पर JDU की सफाई, का सदन की कार्यवाही के चलते नहीं आ सके नीतीश कुमार। राहुल से माफी की मांग पर अड़ी है बीजेपी, संबित पात्रा ने मीर जाफर से राहुल की तुलना की।
कांग्रेस समेत विपक्ष के नेताओं ने लोकसभा में अड़ानी मुद्दे पर जमकर किया हंगामा, जेपीसी गठन की मांग। कांग्रेस के साथ विरोध प्रदर्शन में शामिल नहीं हुई टीएमसी, टीएमसी सांसदों ने अलग से किया प्रदर्शन। संसद की कार्यवाही स्थगित होने पर विपक्ष ने किया अनोखा प्रदर्शन, संसद भवन की बालकनी से प्लेकार्ड दिखाए। प्रयागराज हत्याकांड में शूटर्स के ठिकाने पर चलेगा बुलडोजर, लेकिन गोलीबाज अब भी फरार है। उमेश बल हत्याकांड में पुलिस ने हथियार सप्लाई करने के आरोपी को हिरासत में लिया है, अतीक अहमद के चकिया इलाके का यह बताया जा रहा है। हिरासत में लिए गए आरोपी के पास पुलिस ने बरामद किए कई हथियार, पुलिस को शक है कि इनमें से चार पिस्टल का उमेश पाल हत्याकांड में किया गया था इस्तेमाल। उदयपुर में पिता ने तीन बच्चों को की हत्या करके सुसाइड कर लिया, चारों शव फंदे से लटकते हुए मिले। जोधपुर में सीएम अशोक गहलोत राज्य स्तरीय एक्सपो पुरस्कार वितरण में हुए शामिल, राजस्थान अंतर्राष्ट्रीय प्रदर्शनी समारोह में की शिरकत। मानेसर में 13वीं अखिल भारतीय पुलिस कमांडो प्रतियोगिता उद्घाटन का समारोह का आयोजन, सेना प्रमुख जनरल मनोज पांडे समारोह में शामिल। ग्रेटर नोएडा के शाता यूनिवर्सिटी में एमएसएमई मंत्रालय ने आईपी को दी दो दिवसीय सेमिनार 2023 का आयोजन किया, 200 छोटे और बड़े उद्यमी हुए शामिल। नोएडा में डीसीपी के खिलाफ पीएमओ में शिकायत दर्ज, निर्दोष लोगों पर फर्जी केस में फंसाने का अनुमान। समस्तीपुर में बीएड कॉलेज में नैक ग्रेड मिलने पर एक दिवसीय सेमिनार का आयोजन, एलएनएमयू के कुलपति ने छात्रों और शिक्षकों को किया सम्मानित। तेलंगाना के महबूब नगर में पेपर लीक के मामले में विरोध में बीजेपी का प्रदर्शन, राज्य सरकार के खिलाफ नारेबाजी। जोशीमठ चारधाम यात्रियों की संख्या सीमित करने के विरोध में चारधाम महापंचायत और होटल एसोसिएशन का हंगामा, सीएम का नाम सौंपा ज्ञापन। सोनीपत में रेलवे कॉरिडोर की भूमि अधिग्रहण के मुआवजे में बढ़ोतरी की मांग को लेकर किसानों का लघु प्रदर्शन, लघु सचिवालय का घेरा। दिल्ली में प्लास्टिक फैक्ट्री में भीषण आग लगी, मौके पर पहुंची फायर ब्रिगेड की टीम। पानीपत में बूल टैक्स दरी में फैक्ट्री में लगी भीषण आग, दमकल की 10 गाड़ियां मौके पर पहुंची। ओलावृष्टि से बर्बाद फसलों का मुआयना करने के लिए पहुंचे सीएम शिवराज सिंह चौहान, मुआवजे का किया ऐलान। जयपुर में अलग अलग मांगों को लेकर एबीवीपी कार्यकर्ताओं के सरकार के खिलाफ प्रदर्शन, विधानसभा की ओर जाने के दौरान पुलिस से झड़प। सहरसा में 11 सूत्रीय मांगों को लेकर सरपंच संघ ने समाहरणालय में प्रदर्शन किया, डीएम को सौंपा ज्ञापन। इंदौर में 25 मार्च को प्रसिद्ध पित्रेश्वर धाम में हनुमान चालीसा का पाठ का आयोजन, 51,000 भक्तों के शामिल होने की संभावना, आर्ट ऑफ लिविंग के संस्थापक श्री रविशंकर होंगे शामिल। कौशाम्बी में माफियाओं पर प्रशासन का एक्शन, तीन शराब माफियाओं की करोड़ों की संपत्ति कुर्क। नरसिंहपुर के जंगल में मिला युवक और युवती का शव, पुलिस जांच में जुटी। उदयपुर में पिता ने तीन बच्चों की हत्या करके खुदकुशी की। कानपुर में दो नाबालिग बेटियों की पिता ने की हत्या, बेटियों के प्रेम संबंधों से था नाराज। सोनीपत में विवाहिता ने दहेज प्रताड़ना से तंग आकर की आत्महत्या, परिजनों की शिकायत पर मुकदमा दर्ज। और अयम घर के अंदर रखे बम फटने से दो बच्चियां जख्मी हुई, इलाज जारी। चूरू में रेजिडेंट डॉक्टर से मारपीट, धरने पर बैठे छात्र। हाथरस में बस और ई रिक्शे में जबरदस्त भिड़ंत, दो लोगों की मौत। हावड़ा में राष्ट्रीय राजमार्ग पर बस और कार की भिड़ंत, तीन लोगों की मौत। बस्ती में शख्स ने अपने ही भाभी का गला रेत कर निर्मम हत्या कर दी, आरोपी गिरफ्तार। हरदोई में 65 साल के बुजुर्ग की हत्या का पुलिस ने किया खुलासा, लड़की के प्रेमी ने किया था बुजुर्ग का खत्म।